स्टार्ट कर दिया है। ऐसी निकम्मी सरकार को हम 2019 में मौत तोड़ जवाब देंगे, और अगर ये हमारी नहीं मानेंगे, इन मांगों को नहीं पूरा करेंगे, तो हम इनको सदन से ले योगी मोदी मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन हाय हाय, पुलिस प्रशासन हाय हाय, पुलिस प्रशासन हाय हाय, हमारा आरक्षण लागू करो लागू करो लागू करो, हमारा आरक्षण लागू करो लागू करो लागू करो। योगी मोदी मुर्दाबाद, योगी मोदी, अब भी इसका खून निकाले, खून नहीं वो पानी है, अब भी इसका खून निकाले, खून नहीं वो पानी है, लागू करो लागू करो, लागू करो लागू करो, लागू करो, योगी मोदी मुर्दाबाद, योगी मोदी मुर्दाबाद, योगी मोदी मुर्दाबाद, डॉक्टर संजय कुमार निषाद जिंदाबाद, डॉक्टर संजय कुमार निषाद जिंदाबाद, पुलिस प्रशासन हाय हाय, पुलिस प्रशासन हाय हाय, पुलिस प्रशासन हाय हाय, योगी मोदी मुर्दाबाद, योगी मोदी मुर्दाबाद, योगी मोदी मुर्दाबाद, अभी जिसका खून न खोले खून नहीं वो पानी है, अभी जिसका खून न खोले खून नहीं वो पानी। आपका नाम क्या है नेता? मेरा नाम विजय निषाद, जिला मीडिया प्रभारी निषाद पार्टी आगरा ग्रामीण क्षेत्र से हूँ। आज जो आपने प्रदर्शन किया है क्या किया है और क्यों किया है? हमने ये प्रदर्शन किया है कि गोरखपुर में हमारी हुंकार यात्रा थी, जिसमें हमारे 10-20 हज़ार निषाद आरक्षण के लिए पहुँचे थे, और उन्होंने CM आवास घेरने के लिए पहुँचे वहाँ मच्छिंद्रनाथ मठ पर। तो वहाँ क्या हुआ कि उन पर लाठीचार्ज किया और महिलाओं पर अत्याचार किया और बहुत सलील हरकतें की जो करने लायक नहीं है, और पुलिस प्रशासन ने आके उन पर लाठी बरसाई, गोले आंसू गैस गोले छोड़े, उसके बाद भी हमारा प्रशासन ये आरक्षण लागू नहीं कर रहा है जिसमें जो करना चाहिए। और हमारे प्रवीण भैया सांसद जी हैं जो गोरखपुर से, उन्हें जेल में बंद कर दिया और उनकी एक भुजा टूट चुकी है। मैं इससे कहना चाहता हूं कि अगर इन्होंने हमारा आरक्षण नहीं लागू किया तो हम पूरे प्रदेश में हुंकार यात्रा निकालेंगे और जगह जगह प्रदर्शन करेंगे और रेल ट्रक जाम कर देंगे। आने वाले समय में हम सभी निषादवंशी एक होकर अपने निषाद समाज को आगे बढ़ाने के लिए सबको निषाद आरक्षण के लिए आगे आना होगा। निषाद पार्टी आगरा। आप अपना परिचय बताइए। मेरा शुभ नाम अमर सिंह सोहत्र है, निषाद पार्टी से यदमापुर विधानसभा अध्यक्ष आगरा। आज जो आपने प्रदर्शन किया है, आज जो पुतला दहन किया है, उसमें किस किस का पुतला दहन किया है और क्यों किया है, इसका उद्देश्य क्या है? आप देखिए, हमने आज अपनी यानी प्रदेश की सरकार का और केंद्र की सरकार का पुतला दहन किया, जाज किया है, क्योंकि हम निषाद वंशियों को आरक्षण चाहिए और वो संविधान में लिखा हुआ है, तो उसमें लिखा हुआ है, और ये निकम्मी सरकार उस आरक्षण को लागू नहीं कर रही है। कल 7 तारीख को हमारे इंजीनियर प्रवीण कुमार निषाद, गोरखपुर सांसद, और डॉक्टर संजय कुमार निषाद पार्टी से, और हजारों 20 हज़ारों की भीड़ में उन्होंने आरक्षण लागू कराने के लिए योगी सरकार के पास गए थे बड़ी शांतिपूर्वक से, लेकिन इस नकम्मी सरकार ने उनको आरक्षण देने की बजाय उन पर लाठियां बरसाई हैं और हमारी 500 औरतों को घायल कर दिया है। ऐसी निकम्मी सरकार को हम 2019 में मौत तोड़ जवाब देंगे, और अगर ये हमारी नहीं मानेंगे, इन मांगों को नहीं पूरा करेंगे, तो हम इनको रोड से लेकर सदन तक जंग लड़ेंगे और ईंट से ईंट बजा देंगे। मेरी बस भारत सरकार से यही गुजारिश है कि हमारा इसी में तुम्हारी भलाई का हमारा निषाद पार्टी डॉक्टर संजय कुमार निषाद जिंदाबाद, सांसद प्रवीण भैया जिंदाबाद, सांसद प्रवीण भैया जिंदाबाद, निषाद पार्टी जिंदाबाद।